negative. महेंद्र जी कल कह रहे थे कि धीरे धीरे कार्यक्रम चलता रहेगा, खाने पीने की भी व्यवस्था है, पकौड़ियों की व्यवस्था है, साथ में पकौड़ियां चलती रहेंगी। महेंद्र जी का सबसे पहले ध्यान दूंगा पकौड़ियों के लिए प्रेशर होल्ड करवा देना। जिले भर से जितने कार्यकर्ता आए और इस बात की खुशी है कि सीकर जिले के कोने कोने से आया हुआ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का ये मजबूत कार्यकर्ता आज जिला हेडक्वार्टर पर ये मैसेज देकर के जाएगा कि हम अब हनुमान जी को मजबूत करने के लिए खड़े हैं। एक बार एक बाबा जी, बाबा जी आपके धोना पर हर साल भंडारों से जाकर भंडारा की व्यवस्था आ ही कि जल्दी भी बाबा जी के चढ़ाओ आ तो व्यवस्था होती है, जिनके अनुसार में रसोई बना देता और लोग आसपास का गांव आपके हिसाब को आता, जिए ही रसोई खत्म हो जाती, चेला बाबा जी के जाता, बाबा जी संग बजा देता, जगह के प्रसाद पानी आए तो वो ले लेते और नहीं आते वो चुपचाप आपके घर चले जाते। एक बार बाबा जी भंडारा की व्यवस्था 5,000 आदमी की करी और लोग जी आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता आया है, छोटा मोटा छोटा डिप्रेशन के बावजूद भी यहाँ 50,000 आया। भंडारों पहला झटका भी संघ को चेहरा बाबा जी के बाजा बोले बाबा जी संघ बजाओ संघ बजाओ, बोले रे हो गया आज तो चालू ये काम। चेहरा बोले बाबा जी 5,000 को बढ़ाए 50,000 आएगा, पहला झटका भी संघ को तो बाबा जी बोले मोटे रो आज संघ बजाओ काम तो चला आज लट हो जाओ, 5,000 की जगह 50,000 आएगा तो मैं महेंद्र जो नियंत्र कर बचाऊ बेसर अभी बढ़वा लू। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा आप तमाम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जिले के कार्यकर्ताओं, आपकी वजह से आज जिला मुख्यालय पर मीडिया के भाइयों की वजह से मैसेज आएगा कि सीकर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बहुत मजबूत। अभी जब मैं कार्यक्रम में आ रहा था बजरंग कांटा से लेकर के कल्याण सर्किल तक पूरे की पूरी जगह जैसे खड़ी फसल हरी होती है और पकी हुई फसल पीली होती है, इस खड़ी और पकी हुई फसल का कॉम्बिनेशन ये हरा और पीला रंग पूरे रास्ते को चौपट किए हुए। इसका मतलब यह है कि गांव गांव से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता है। चूंकि आज पार्टी का चौथा स्थापना दिवस और इसलिए मैं आप सभी को चौथे स्थापना दिवस की बधाई भी इस मंच के माध्यम से देना चाहूंगा। मैं उस पार्टी के चौथे स्थापना दिवस की बधाई भी आपको देना चाहूंगा जिसकी स्थापना किसी बंद कमरे में कल्प लगे हुए छोटे पैदाने वाले नेताओं ने नहीं किए हैं, जिसकी स्थापना गांव खेत और खलिहान से निकले हुए किसान और नौजवान ने 5,00,000 लोगों की मजबूत मंदिर ने एक बड़े मैदान में तीन तरह का हो।
मैंने कहा धरातल पर। दूसरा होता है सक्रिय कार्यकर्ता, वो कार्यकर्ता होता है जो अपनी सुविधा के हिसाब से कार्यकर्ता होता है। पहला अपना काम, समय बच गया तो पार्टी का, सक्रिय तो है लेकिन अपनी सुविधा के हिसाब से है। और तीसरा होता है समर्पित कार्यकर्ता, जो ये कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हनुमान जी एक आवाज लगाएंगे तो मैं खड़ा हो जाऊंगा, मेरा जिलाध्यक्ष एक आवाज लगाएगा तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। इस तरह के समर्पित कार्यकर्ताओं वाली अगर एकमात्र पार्टी राजस्थान में है तो उसका नाम आरएनपी है। यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री के काफिले में जितने साधन नहीं होते उतने साधन हमारे सुप्रीमो के काफिले में होते हैं, और देश के प्रधानमंत्री को जितने लोग देते उतने लोग हमारे सुप्रीमो को लोग। मैं आप सभी मेरे से छोटे बड़े कार्यकर्ता भाइयों से तीन चार निवेदन एक अच्छे कार्यकर्ता बनने के रूप में करना चाहूंगा, क्योंकि पहले मैं कुछ अलग सोच करके आया था, लेकिन भाई महेंद्र जी का सुभाष जी का जब उद्बोधन सुना उसके बाद मुझे लगा कि इस कार्यक्रम में चूंकि कार्यकर्ता है इसके बाद कार्यकर्ताओं की करनी चाहिए। पहली बात, जब भी हम हमारे आदरणीय नेता हनुमान जी बेनीवाल के पास कोई काम लेकर के जाते हैं, वो काम व्यक्तिगत हो सकता है, रिश्तेदारों का हो सकता है, मित्रों का हो सकता है, गांव वालों का हो सकता है, हम वो काम और उसका कागज नेताजी को सौंप करके आते हैं। नेताजी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं और हम वापस आकर के सोशल मीडिया पर फोटो डालते हैं, नेताजी से स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करते हैं। होता क्या है, इसका नुकसान क्या है, सोच के देखा, हम जिस काम के लिए गए वो काम हो गया, 10% हो सकता नहीं कि हो गया लेकिन उस काम के होने की खुशबू लोगों तक नहीं। फोटो डाले लेकिन लिखेंगे कि मैं मेरे परिवार के स्थान से, मेरे गांव के स्थान से, मेरे रिश्तेदारों के स्थान से, मेरे मित्रों के स्थान से नेताजी के पास गया था और मेरा काम हो गया है, ताकि नेताजी की छवि काम करने वाले नेता की बने और आपकी भी छवि काम करने वाले कार्यकर्ता करवाने वाले कार्यकर्ता। स्थानीय मुद्दे कुछ नहीं है, स्थानीय मुद्दों से नेताजी बहुत अच्छी तरह से बात। दूसरी चीज, पहला जब पार्टी का सुप्रीमो होगा जिसके मोबाइल नंबर पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के पास, हम में से प्रत्येक आदमी उनसे सीधा मिलना चाहता है, सीधी फोन पर बात करना चाहता है, अगर जरूरी हो तो करने की चाहिए, लेकिन छोटी छोटी बातों के लिए, देखिए मैं मैनेजमेंट का आदमी हूं और मेरा ऐसा मानना है कि चाहे परिवार हो, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कोई पार्टी हो, आगे वो बढ़ती है जिसकी अपनी एक हायरार्की हो। कौन आदमी क्या काम करेगा, किस आदमी के क्या चीज जिम्मे है, हमारी पार्टी में इस हायरार्की सिस्टम को चूंकि हम सारे लोग नेताजी से सीधे जुड़े हुए हैं इसलिए हम फॉलो नहीं कर पाते। जो काम हमारा जिलाध्यक्ष करवा सकता है उस काम के लिए अगर हम नेताजी को फोन करते हैं, जिले का एक थाने में फोन करना है, सामान्य सा काम है, लेकिन सीधे हम नेताजी से बात करें। कई बार मुझे मेरे साथी कहते हैं कि नेताजी कुछ चीजों को टाइम नहीं दे पाते, दे वहां से पाएंगे, उनका 50% ज्यादा टाइम छोटे छोटे कामों के लिए फोन उठाने और हमारे साथ सेल्फी खिंचवाने में व्यतीत हो जाता है, वो कब सोचेंगे पार्टी का। इसलिए हम सभी की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि हम पार्टी की हायरार्की को फॉलो करें, छोटा मोटा काम करवाना है अपने लोगों का, लेकिन पार्टी का जिलाध्यक्ष है, महेंद्र जी से मिलिए, संपर्क कीजिए, महेंद्र जी से पार नहीं पड़े तो फिर महेंद्र जी के माध्यम से आगे बढ़िए, हमारी प्रदेश कार्यकारिणी है, हमारी जिला कार्यकारिणी है, लेकिन आज से हम ये संकल्प करें कि 2023 बहुत नजदीक है और हम इसी मानक नेताजी का समय व्यतीत करते रहेंगे तो वो पार्टी के मूल सिद्धांतों और पार्टी की मूल कार्यशैली के बारे में ज्यादा नहीं सोच पाएंगे। तीसरी चीज, नेताजी ने जैसा कि भी विजय पाल जी कह करके गए थे कि कोटा के चरवाहे के लिए खड़े हो, महेंद्र जी सुभाष जी फौजी ने कहा कि मैं गया हुआ था, एक राजपूत भाई आए थे, नेताजी 36 कौम के लिए हर समय खड़े रहते, 36 कौम का काम करते हैं, लेकिन हम लोगों की
थोड़ी सी निष्क्रियता की वजह से ये बात आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। इसलिए आज से जाने के बाद हम ये तय करें कि नेताजी जब जिस कौम का कोई बड़ा काम करेंगे, ज्यादा जरूरत नहीं है मेरे गांव के उन रहने वाले दलितों को, अगर दलितों का काम होता पता होना चाहिए कि आज मेरे नेता ने आपके समाज के लिए काम किया। अगर अल्पसंख्यकों का कोई काम होता है तो मेरे गांव के अल्पसंख्यकों को मैं बताऊंगा कि आज मेरे नेता ने आपके समाज के लिए ये काम किया है, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। चौथी चीज, समर्पित कार्यकर्ताओं को लेकर के कहना चाहूंगा और मैं उसमें मेरा उदाहरण रखना चाहूंगा, मैं समर्पित कार्यकर्ता नहीं हूं, मैं सिर्फ सक्रिय कार्यकर्ता हूं। समर्पित इसलिए नहीं, मुझे बहुत बार नेताजी की तरफ से भी, बहुत बार अन्य साथियों की तरफ से भी कहा कि आपके पास तो प्रदेश में कोई पद नहीं है, आपके पास जिले में कोई पद नहीं है, फिर भी आप पार्टी से इतनी निष्ठा से जुड़े हुए हो। मैंने कहा मैं पद तब लूंगा जब मैं एक समर्पित कार्यकर्ता बन जाऊँ, क्योंकि आज मैं मेरी व्यक्तिगत व्यवस्था मान लीजिए, नौकरी की व्यवस्था मान लीजिए, काम की व्यवस्था मान लीजिए, मैं महेंद्र जी डोरवाल जितना टाइम नहीं दे सकता। इसलिए मेरी ये मोर ड्यूटी बनती है कि जो टाइम दे रहे हैं वो लोग आगे बढ़े। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जितने भी पार्टी के लिए हर समय खड़े रहने वाले लोग हैं, मैं देखता हूँ कि देखे जब हमारी जिले की कार्यकारिणी और प्रदेश की कार्यकारिणी जितनी पोस्ट सोशल मीडिया पर भाजपा और कांग्रेस की नहीं आती, उतनी हमारे लोगों की आती है। आज उस कार्यक्रम में शामिल, आज वहां गए, आज वहां धरना दिया, आज वहां प्रदर्शन किया। इसका मतलब यह है कि हमारी समर्पित कार्यकर्ताओं की जिले की भी और प्रदेश की एक बहुत मजबूत टीम है, हमें उनको मजबूत करना है, हमें उनको आगे बढ़ाना है। जब हनुमान जी अपने आप आगे बढ़ जाएंगे, हमें उस राष्ट्र को फोल्ड करते हुए, क्योंकि देखिए हर आदमी की अपनी एक सीमा होती है, हर आदमी की अपनी एक क्षमता होती है, हर आदमी का अपना एक पोटेंशियल होता है और वो उसी रूप में काम कर सकता है। मेरी अंतिम बात, मैंने एक विद्वान का कथन पढ़ा था, उसने कहा कि मैं शेरों के उस झुंड से नहीं डरता जिसका नेतृत्व एक भेड़ करती है, मुझे डर भेड़ों के उस झुंड का लगता है जिसका नेतृत्व एक शेर कर रहा है।
कार्यकर्ता बन जाऊं। मेरा जीवन जीने का एक तरीका, मैं दिन के 24 घंटे को तीन भागों में बांट रहता हूं। 10 घंटे मेरा संस्थानीय काम, 6 घंटे की नींद, 2 घंटे जो भी मेरा पढ़ने लिखने का काम है वो करता हूं। टोटल 18 घंटे हो गए और बचे हुए 6 घंटे मैं मेरे परिवार के लिए, सामाजिक कामों के लिए, पार्टी के कामों के लिए और अन्य दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होता हूं। आज से मैं ये संकल्प लेता हूं कि चाहे मुझे समय किसी भी भाग से बचाना पड़े, लेकिन मैं सिर्फ हनुमान को मजबूत करने के लिए, सिर्फ राष्ट्र लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करने के लिए मनसा वाचा कर्म तीनों से, तन मन धन तीनों से 2023 के लिए हनुमान जी को मजबूत बनाने के लिए काम करूं। पर्वत सिंह पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से आपको गंगा निकलनी चाहिए।
चाहिए और सिर्फ डामा कोड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए और मेरे दिल में ना तो तेरे दिल में सही, वो कहीं आग मगर ये आग चलनी चाहिए।